राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरी जुकाम जो है वो ठीक हो रही है, तो चलते हैं दिखाते हैं आप सभी लोगों को सुबह सुबह हम क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह चूल्हे पे हो रहा है पानी गर्म। और एक बात आप लोगों को बता दें, एक बार हमारे यहाँ पर इसको कढ़ाई को उठाए, बाल्टी में ये बाल्टी रखी हुई है, इसमें गर्म पानी को इसमें डालने वाले थे कि ये जो कढ़ाई है वो मेरे हैंड से छूट गई और मेरे पैर पे गिर गई। तो मैं फ़िलहाल पानी जो था वो हल्का हल्का गर्म था, तो कुछ हुआ नहीं। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, नहीं तो जल जाते पैर में। फिर भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि जल गए हैं। और दोबारा नेक्स्ट टाइम से पानी मैंने बॉयल किया, अब की आराम से उतारेंगे, नहीं तो अब की तो पक्का जलना ही जलना है। और डांट भी मिली है मुझे बढ़िया वाली। अभी मम्मी लहसुन को साफ़ कर रही हैं, लहसुन ना सूप में मम्मी इसको साफ़ कर रही थी, हुआ ही नहीं तो इसको खटिया पे। ये हमारे गांव की देसी ट्रिक, इस मम्मी को किसी ने बताया था तो मम्मी ये वाली ट्रिक अपना रही है। बस लहसुन का जो टुकड़ा है ना बहुत मोटा, छूट नहीं रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो भाई अचार यहाँ पे बन रहा है। मम्मी मेरी अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, एक बार खा लो ना तो बार बार खाने की इच्छा होती है। और आम ओम का अचार तुम्हारे यहाँ बसता ही नहीं है। आम का अचार चाहे जितना बनाएं 2 महीने से ज़्यादा मेरे यहाँ नहीं चलता है, सब ख़त्म हो जाता है। तो अभी मम्मी बना रही हैं यहाँ पे गोभी का अचार, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद बनाएंगी मूली का अचार। तो ये सब जो अचार होते हैं ना वो एक दो तीन दिन के बाद खाने लायक हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है। अभी हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी। इसमें प्याज ऐड किया है मैंने और अभी मैंने इसे फ्राई करके छोड़ा हुआ है। अब इसको जा रहा है ढक देने आराम से पके, क्योंकि करेले को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसके अलावा मेरे यहाँ कुछ और स्पेशल बन रहा है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई साहब यहाँ पे कैमरे में हम इतने काले आ रहे हैं कि इतने काले तो हम आधार कार्ड में और पैन कार्ड में भी नहीं है। फ़िलहाल पैन कार्ड में अच्छी फ़ोटो आती है और अभी हम बहुत काले लग रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो घर की लाइट है ना वो बेकार है एकदम से। और यहाँ पे देखिए मटुआ चढ़ा हुआ है, ये चूल्हा है, बहुत धुआँ लग रहा है यार। तो अभी हम बना के आ रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, जल ना जाए। ये है सरसों जो कि पक रही है बटुआ में, तो इसका बनने वाला है साग। और जो सरसों का साग है वो मॉर्निंग में बनेगा। अभी इसको मम्मी काटी हैं और कहीं की उबाल लो अच्छे से, इसको अच्छे से घोट देंगी, उसके बाद सुबह इसको फ्राई करेंगी। ये सुबह खाने लायक एकदम बनेगा। और सरसों का जो साग है वो बनने में बहुत टाइम लेता है यार, जल्दी से बनता नहीं है मेरे यहाँ भी। भाई साहब अभी हम बना रहे थे करेले की सब्ज़ी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था बनाते टाइम। और मेरे साथ क्या हुआ कि हम इसको बढ़िया बना रहे थे तो ये सब्ज़ी गई जली। देखिए जला जला दिख रहा है, मैंने कुछ इसमें से निकाल लिया है, ये इतना एकदम ब्लैक हो गई है, खाने लायक नहीं है। और ये है कुछ, और मैंने अलग से प्याज काट के इसमें डाल दिया है कि पता ना चले, नहीं तो आज बाजा बजने का फुल जुगाड़ है। अभी मम्मी यहाँ पे घोट रही हैं जो सरसों का साग होता है, और किससे घोट रही हैं, जिससे माठा मारा जाता है गांव में हैंड से, उससे ही इसको घोट रही हैं अच्छे से। और जब तक सरसों के साग को इस तरह से एकदम महीन नहीं किया जाता, एकदम छोटा छोटा नहीं, छोटा छोटा क्या, एकदम मिक्स नहीं किया जाता, तब तक इसका स्वाद भी जो है वो डिफरेंट रहता है। तो मम्मी इसको खूब बढ़िया से एकदम से घोट घोट के एकदम बढ़िया बना दे रही हैं। देखो एक बार मेरे यहाँ इसके पहले बना है, उसके पहले तो हम खाते ही नहीं थे, मुझे देखने में ही नहीं अच्छा लगता था, बट अब बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो देखते हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है देखने में। अभी मम्मी इसको अच्छे से घोट ओट दी हैं, अब हम इसे निकाल रहे हैं फ्राई पैन में और अब लगाएंगे तड़का, उसके बाद देखो क्या होता है। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए काटा है प्याज, क्योंकि प्याज का ही तड़का लगता है। मिर्ची भी लिया है क्योंकि साग जो है वो कम तीखा है। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज को हम इसमें डाल देते हैं। फ्राई करने के बाद जब प्याज सुनहरी हो जाए हल्का, तब इसमें जो साग है उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद खाने में जो मज़ा आने वाला है ना वो देखा जाएगा, मज़ा आता है कि नहीं।
अभी मैंने यहाँ पे साग को ऐड कर दिया है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है और खाने में मज़ा आने वाली है। और इसको खाते कैसे हैं, देसी घी जो होता है उसमें इसको डाल के खाते हैं, तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब बन गया है, अब चलते हैं खाते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है आप सभी लोगों को। बात और ये जो सरसों का साग है ना, वो पंजाब में बहुत मशहूर है, पंजाबी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और मेरी दादी और दादा भी इसे बहुत बहुत पसंद करते हैं, बट वो चलेगा। हम खा चुके हैं मस्त सरसों का साग और हाथ की बनी हुई चूल्हे की रोटी, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। सरसों का साग और हाथ की बनी चूल्हे की रोटी अगर खाओ ना तो स्वाद दोगुना हो जाता है, खाने में बहुत मज़ा आती है। जो लोग सिटी में रहते हैं वो गांव में आते हैं, जैसे हमारी दादी हो गई, दादाजी हो गए, आते हैं तो वो जो है वो बेलन की रोटी नहीं खाते हैं, हैंड वाली ही बनवाते हैं और खाते हैं। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को रेसिपी? अगर आप सभी लोगों ने ये सरसों का साग खाया हो तो कमेंट करिएगा, और आप लोग अगर गांव से होंगे तब तो पक्का खाए होंगे, और जो लोग गांव से हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि हम विलेज से हैं। और जिन लोगों ने सरसों का साग नहीं खाया है, इस प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत बहुत टेस्टी लगता है, गारंटी है आप सभी लोग खाने लगेंगे, क्योंकि हम भी नहीं खाते थे और खाने लगे। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।